दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको खेती के काम में उपयोग की जाने वाली कुछ ऐसी शानदार और अद्भुत मशीनें दिखाने वाले हैं, जिन्हें देखने के बाद आपके मुंह से बस यही निकलेगा, क्या बात है। दोस्तों आपको बता दें कि आज जिन मशीनों के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, उन्हें आपने शायद ही पहले कभी देखा होगा। ये मशीनें इतनी एडवांस और फास्ट हैं कि इनकी मदद से खेती के कठिन कामों को आसानी से और बहुत कम समय में ही पूरा किया जा सकता है। तो दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखिए और आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें। ट्रेंचर मशीन। दोस्तों इस मशीन का इस्तेमाल खेतों में नालियां बनाने के लिए किया जाता है, क्योंकि हाथों में फावड़ा लेकर नालियां बनाने में किसी की भी हालत खराब हो जाती है। पर इस एडवांस इलेक्ट्रिक मशीन से इस काम को बहुत ही आसानी के साथ और कम समय में ही पूरा किया जा सकता है। जब इस मशीन को चालू करके इसे खेत में चलाया जाता है तो ये मिट्टी को खोदकर एक बराबर साइज की नाली बनाते हुए और साथ ही खोदी गई मिट्टी को किनारे पर जमा करते हुए आगे बढ़ती जाती है। आपको बता दें कि ये मशीन बहुत ही तेज गति के साथ नालियां बनाने का काम करती है। राइस प्लांटिंग मशीन। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि खेती करना मुश्किल काम तो होता ही है, उसमें भी धान की खेती करना तो और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसके एक एक पौधे को पानी से भरे खेत में लगाना होता है, जिसमें मेहनत भी ज्यादा लगती है। और इसी काम को ये मशीन बहुत ही आसानी के साथ और कम समय में ही पूरा कर देती है, जिसके लिए सबसे पहले इस मशीन में धान के पौधों को छोटे छोटे बंडल बनाकर रखा जाता है, जिसके बाद ये मशीन आगे चलते हुए धान के पौधों को एक एक करके 6 लाइनों में जमीन में लगाते हुए आगे बढ़ती जाती है। रीपर बाइंडर मशीन। दोस्तों अगर आप किसान परिवार से हैं तो आपको ये बात तो पता ही होगी कि खेती करना कितना मुश्किल काम होता है, और उसमें सबसे ज्यादा मुश्किल होता है धान या गेहूं जैसे फसल की कटाई करना। पर इस शानदार मशीन की मदद से आप इस मुश्किल काम को बहुत ही आसानी के साथ पूरा कर सकते हैं। आपको बता दें कि ये एक इलेक्ट्रिक मशीन है और इसे उपयोग करने के लिए इसमें लगे हैंडल को पकड़कर इसे खेत में चलाया जाता है, जिसके बाद ये मशीन बहुत ही तेजी के साथ धान या गेहूं की फसल को काटकर उसका बंडल बनाते हुए किनारे पर रखती जाती है। ग्रास कटिंग मशीन। दोस्तों इसके नाम से ही आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि इस मशीन का इस्तेमाल खेतों से घास की कटाई करने के लिए किया जाता है। इस मशीन में बड़े बड़े दो पहिए लगे होते हैं और उसके आगे कई सारी ब्लेड्स लगी होती हैं। फिर जब इस मशीन को ट्रैक्टर के साथ में फिक्स करके खेतों में चलाया जाता है तो आगे बढ़ने के साथ साथ मशीन में लगे कटर घूमने लगते हैं और वो घूमते हुए बड़े से बड़े खेतों में से घास को बहुत ही कम समय में काट देते हैं। और आपको बता दें कि काटी गई घासों को ये मशीन खेत में ही एक लाइन से इकट्ठा करती चली जाती है। मिनी राउंड बेलर। दोस्तों इस मशीन का इस्तेमाल खेतों में कटी हुई घास को उठाने के लिए किया जाता है, जिसके लिए सबसे पहले इस मशीन को खेतों में एक लाइन में इकट्ठा की गई घासों के ऊपर से चलाया जाता है, जिससे इस मशीन के आगे की तरफ लगा हुआ घूमता हुआ रोलर सामने पड़ी घास को अपने अंदर की तरफ समेटता जाता है और फिर उन घासों का एक रोल बनाकर उसे अपने पीछे लगे कंटेनर से बाहर निकालता जाता है। स्टोन क्रशर मशीन। दोस्तों इस मशीन का इस्तेमाल पथरीली भूमि को समतल करने के लिए किया जाता है। इस मशीन की मदद से जमीन पर पड़े हुए फालतू कंकड़ पत्थरों को बहुत ही आसानी के साथ जमीन पर समतल किया जा सकता है। इस मशीन में क्रशर लगा होता है जो कि अपने सामने आने वाले सभी छोटे बड़े पत्थरों को तोड़ता जाता है और फिर मशीन में लगा रोलर उन टुकड़ों को मिट्टी में समतल बिछाता जाता है। फ्रूट्स हार्वेस्टर मशीन। दोस्तों इस मशीन का इस्तेमाल पेड़ों से फलों को तोड़ने के लिए किया जाता है, जिसके लिए सबसे पहले इस मशीन को पेड़ के पास लाया जाता है। उसके बाद इस मशीन में लगे ऑटोमेटिक आर्म्स पेड़ के तनों को पकड़कर उसे जोर जोर से हिलाने लगते हैं, जिससे पेड़ में लगे सभी फल नीचे गिरने लगते हैं। और आपको बता दें कि इस मशीन को इस तरह से बनाया गया है जिससे कि पेड़ से गिरने के बाद सभी फल मशीन में लगे सरफेस पर इकट्ठा होते जाते हैं, जिसके बाद आगे लगे कन्वेयर सिस्टम की मदद से इन फलों को दूसरे बड़े कंटेनर तक पहुंचा दिया जाता है। प्लांट कटिंग मशीन। दोस्तों इस मशीन का इस्तेमाल पेड़ पौधों को शेप देने के लिए किया जाता है, जिसके लिए इस मशीन को जब पौधों के ऊपर चलाया जाता है तो इसमें लगी धारदार ब्लेड्स पौधों को एक बराबर से काटती जाती है, जो कि पौधों को बहुत ही तेजी के साथ सही आकार में काटती जाती है। इस कटर के ऊपर से एक वैक्यूम पाइप भी लगी होती है जो कि काटी गई टहनियों और पत्तियों को खींचकर पीछे लगे कंटेनर में इकट्ठा करती जाती है। दोस्तों इनमें से कौन सी मशीन आपको सबसे ज्यादा उपयोगी और एडवांस लगी, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल ओनर ऑफ थॉट्स हिंदी को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लें। धन्यवाद।